नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में, जहां पर हम सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, यानी जल्दी से जल्दी, जैसे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट, मतलब पहले हम इस ट्रिक को समझेंगे जिससे हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ट्रिक इधर पर बोर्ड पर बन रही है, और फिर हम समझेंगे उसके पीछे कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कैसे बनी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे प्राप्त करें, मतलब फास्ट। तो ये स्क्वायर निकालने का पार्ट वन है, ठीक है, जिसमें हम केवल 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, क्योंकि हम उसके पीछे कॉन्सेप्ट को ही समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा कि ट्रिक्स बनती कैसे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आइए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 3 नंबर ले रखे हैं, ठीक है, 57, 75 और 87। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों पर ट्रिक अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं 57 से। तो 57 में जैसे 2 डिजिट हैं, ठीक है, 5 और 7, तो हम इन दोनों डिजिट कैसे कर देंगे और फिर इनका पर्सनली स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 49। फिर हम क्या करेंगे कि 7 × 5 × 2, ये वाला 2 मान सकते हो आप, लेकिन वैसे हम जब समझेंगे कॉन्सेप्ट में तो हम समझ जाएंगे कौन सा 2 है। 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70, ठीक है, 70। और फिर हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, 9, 4, 7 और 5 = 12 और 1, 3, 2, 4, 9। तो इस तरीके से ये तो आ गया 57 का स्क्वायर। और ट्रिक हम समझ चुके हैं कि पहले हमें इस डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, इस डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, और इन दोनों का गुणा 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70 का गुणा करके एक डिजिट छोड़कर, यहाँ पर ये एक डिजिट हमने छोड़ दी इसके नीचे वाली, यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा के इस गुणा में करते हम, हमने एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम 75 करेंगे। 75 यानी कि जिन नंबरों के लास्ट में 5 होता है उनके लिए एक अलग से ट्रिक होती है, उसको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट पेज पर। तो पहले हम ये वाली ट्रिक से इसका समाधान निकालते हैं, इससे कि हम ये ट्रिक समझ सकें। ठीक है, तो 5 का क्या होगा, 25 और 7 का क्या होगा 49। ठीक है, अब 7 × 5 = 35 और 35 × 2 = 70, ठीक है, तो उसको हम एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे यहाँ पर क्रॉस लगा के, यहाँ पे हमने लिख दिया। और फिर आ जाएगा 5, 2, 9 और 7 = 16, 1 इधर गया 56, 25। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 87 के स्क्वायर की ओर, 87 का स्क्वायर। 8 का क्या होता है, 64 और 7 का क्या होता है 49, ठीक है, 49। और फिर इन दोनों का मतलब है कि 8 × 7 = 56 और 56 × 2 = 112, ठीक है, 50 × 100 और 6 × 2 = 12, तो 112। उसको भी हम एक डेट छोड़ के लिख देंगे और सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है, 9, 6, 5, 7, ठीक है। तो ये तो आ गए हमारे तीनों संख्याओं के स्क्वायर। अब बात आती है कि इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या, कहानी क्या, भैया ये हो कैसे रहा है ना। तो कुछ लोग इंटरेस्टिंग होंगे इस चीज़ में, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। इसके पीछे कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने अलजेब्रा की सिंपल आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक जो सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है वो सबको याद होती है अगर, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी पे निर्धारित है ये ट्रिक। कैसे, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम 57 को ही ले लेते हैं कि हम इसमें कैसे फिट करेंगे, तो हमने लिया 57। 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 यानी कि 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर, है ना। ए हमने मान लिया 50, बी मान लिया 7, अब ये माना तो 50 का स्क्वायर 2500। अब मैं
आइडेंटिटी ऐसे में लिखी लेकिन मैं ऐसे खड़े में लिखूंगा जिससे कि आप वो समझ सकें, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बी का स्क्वायर 49। अब आता है हमारा 2AB, ठीक है, 2AB यानी कि 2 × 7 × 50, ठीक है, 7 × 2 = 14 और 14 × 5 = 70, 70 का 0 = 700, ठीक है, तो ये आ गया 700। अब हमारा आया 9, 4, 7 × 5 = 12 और 1 = 32, 49, ठीक है। अब स्क्वायर तो आ गया, अब हम समझते हैं कि ट्रिक कैसे बनी इससे। हुआ क्या कि जैसे ये है यहाँ पर जो डिजिट है 50, जैसे हम किसी भी 1 से 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको अगर हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे, यानी 90 + 9, 90 + 8, 60 + 7, यानी कि एक हमारे पास डिजिट होगी जिसमें एक जीरो होगा, है ना, 50 + 7। ऐसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 70 + 5। इसको तोड़ो आप अगर तो 80 + 7। तो जो इसका स्क्वायर होगा उसमें हमेशा 2 जीरो तो आएंगी, ठीक है, जैसे कि इसके में आएंगे 2500, यानी कि कोई भी संख्या होगी जो, जैसे कि 90 के आएंगे 8100, 70 के में आएंगे 49100, 80 के में आएंगे 6400। तो हमने क्या किया, इन 2 जीरो को इग्नोर कर दिया, इन 2 जीरो को इग्नोर कर दिया, इन 2 जीरो को इग्नोर कर दिया और डायरेक्ट उसे 2 अंक आगे लग दिया, यानी कि 0 ऐड होना कोई बात होती है क्या, डायरेक्ट 2 अंक आगे लग दिया, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है यानी कि 7, इसमें 5 और इसमें 7, ये क्या है, ये सिंगल डिजिट है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो डबल डिजिट में आएगा, जैसे 7 का 49, 5 का 25, 7 का 49, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, इधर पे अगर हम नीचे ऐड करेंगे तो वो हमेशा इधर पे सबसे कोने में होगा, ठीक है, तो हमने उसको सीधा साइड में लिख दिया 49, इसमें लिख देते हम सीधा इधर पे 25, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25, इसमें हम लिख देते हैं 49, राइट, हमने 49 लिख दिया, क्योंकि वो पता है वो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब पीछे की तरफ आएगा, है ना। अब जो बचता है बीच का 2AB, ये रहा हमारा 2AB, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 7 × 5 = 35 और 35 × 2 = 70, हमने इस जीरो को जो कि जो आता उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो सब में आएगा, क्योंकि इसके में 50 है, इसमें 70 है और इसमें 80 है, सबके पास एक जीरो है, तो जैसे हम इसमें 2AB करेंगे, ठीक है, हमने 2AB किया तो 2 × 80 × 7, है तो 7 × 2 = 56 और 56 × 2 = 112 और आ गया हमारा क्या 1120। तो ये जीरो इसकी वजह से आ रहा है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया और डायरेक्ट हमने क्रॉस लगा के यहाँ पे मान लो जीरो लिख दो अगर चाहो तो आप, तो हमने इसको इग्नोर करके यहाँ पर डायरेक्ट 112 लिख दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक और इसके पीछे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि इसके लिए जो एक और ट्रिक अपनाई जाती है, यानी कि ऐसे नंबर्स के लिए जिनके पास एक डिजिट के बाद यहाँ पर 5 होता है उसका स्क्वायर किया जाता है, तो एक ट्रिक अपनाई जाती है कि सीधा आप लिखो क्या 55 × 25 और यहाँ पर जो डिजिट, जैसे कि यहाँ पर 7 है, 7 और 7 का मल्टीप्लाई आप किस में कर दो, 7 से बड़ी एक संख्या यानी कि 8, 7 × 2 = 56, डायरेक्ट 56 × 25, ठीक है। तो 7 लगे हाथ हम इस ट्रिक के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि ये ट्रिक कैसे आई, तो इसके लिए हम यही करते हैं, ये वाला अपनाते हैं, 70 + 5 का स्क्वायर क्या होगा 49100 और 55 × 25 और यहाँ पे हम जब 2AB को लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ और यही सबसे मेन कहानी सब समझ सकेंगे क्या है इस पीछे, 70 × 5, ठीक है, ये वाले के लिए, है ना। तो अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे हमेशा यहाँ पर जिसमें भी 5 लास्ट में होगा वो 5 ही बनेगा बी, और 2 तो यहाँ पर होता ही, तो 5 × 2 हमेशा क्या बनता है 10, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 70 × 10 यानी कि यहाँ पे 700 बनेगा, है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पर 60 होता मान लो, तो 6 यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 5 × 2 = 10 तो 600 हो जाता, यानी कि होगा क्या कि बनेगा जैसे 70, जैसे कि 75 है तो 700 बन गया 2AB का मान, 65 होता तो 600 बन जाता, 50 होता तो 500 बन जाता,
यानी 2ab का मान हमेशा ऐसे बनेगा 500, समझ रहे हैं, आ रहा है ना आपको, तो वो बनेगा जैसे कि यहाँ पर बना हमारा 700, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 700, जोड़ेंगे 5, 2, 56, 25। अब हमने देखा कि ये तो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 7 × 7, और ये एक 7 एक्स्ट्रा है, ये भी ऐसे में ही जुड़ेगा क्योंकि डबल जीरो आने ही आने, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इन दोनों का, 1 0 इसका, तो डबल जीरो आने, और यहाँ पर वही नंबर आना है जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 7। अगर इसमें से आप 7 कॉमन लेंगे तो 7 + 1 = 8, यानी कि आपको 7 × 8 का मल्टीप्लाई करना है, और इधर 25 ही आता है, यानी कि ऐसी कहानी हो गई, ठीक है। खचड़ पचड़ काफ़ी हो चुकी है मतलब यहाँ पर, लेकिन चीज़ शायद जहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जैसे कि अब आप समझ चुके हो कि सीधी सिंपल ट्रिक हमारी जो है, अब बेसिकली मैं अगर आपको लास्ट में ट्रिक समझा दूँ लास्ट के 10 सेकंड में, तो वो ये है कि अगर कोई भी दो डिजिट हैं तो उसमें हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर इन दोनों का गुणा करके इसमें 2 का गुणा करके उसको एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे और सिंपली ऐड कर देंगे। ये तो हो गई हमारी कोई भी डिजिट की, और अगर किसी के पीछे 5 है तो उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा 55 × 25 लिखो और 7 + 1, ठीक है, 7 + 1 यानी कि 7 × 8 का मल्टीप्लाई करके 7 × 8 = 56 कर दो, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो की ट्रिक और उसके पीछे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।